brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। खास तौर से आजमगढ़ और कन्नौज की सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन सपा ने दोनों ही सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने आखिरकार चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दावा किया जा रहा कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और 25 अप्रैल को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि कन्नौज को इत्र की राजधानी कहा जाता है। ये समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ रहा है। कन्नौज में भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। लंबे समय तक कन्नौज प्रत्याशी के रूप में अखिलेश यादव का नाम सामने था, लेकिन अचानक सपा ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस कदम से कन्नौज में सपा कार्यकर्ता निराश और काफी परेशान हो गए थे, और दावों की माने तो पार्टी के कई कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे थे। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट का राजनीतिक समीकरण बड़ा मायने रखता है। इस सीट से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कई बड़े चेहरे लोकसभा सांसद बने। कन्नौज लोकसभा सीट को जीतने के लिए जातिगत आंकड़े पार्टियों के लिए काफी अहम होते हैं। अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो कन्नौज लोकसभा सीट पर सर्वाधिक ब्राह्मण वोटर है, जिनकी संख्या लगभग 3.25 लाख है। दूसरे नंबर पर यादव जाति से लगभग 2.5 लाख से 2,70,000 वोटर आते हैं। दलित जाति का भी अच्छा खासा 2 लाख वोटर है। ठाकुर और लोधी मिलाकर लगभग 4 लाख की संख्या है। वहीं अगर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की संख्या को लेकर बात की जाए तो वो लगभग 2 लाख के आसपास मानी जाती है। कन्नौज लोकसभा सीट से वर्तमान समय में सुब्रत पाठक बीजेपी से सांसद है, लेकिन सियासी गलियारों में कई और नामों की भी चर्चा चल रही। इसमें कन्नौज सदर विधानसभा विधायक व प्रदेश में राज्य मंत्री असीम अरुण और भाजपा नेता कन्हैया दीक्षित सहित कई नामों को जोड़ा जा रहा है। देखना होगा कि पार्टी किसे मैदान में उतारती है। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।